हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ का ईवीएस का लेसन 5, बीज बीज बीज। हेलो बच्चों, बेटा पिछले वीडियो में हमने जाना था उन बीजों के बारे में जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं। हमने पढ़ा था कि अंकुरण क्या होता है और हमने पढ़ी थी गोपाल की स्टोरी। आज हम आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी देंगे जो आप घर पे खुद से करेंगे। इसमें आपको अपने किचन में मम्मी से कुछ बीज लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे किचन में कौन से ऐसे बीज होते हैं। बेटा हम जो मसालों के रूप में है ना, सौंफ, अजवाइन, जीरा, तिल, धनिया, मेथी दाना, सरसों, ये सब चीज़ें जो खाते हैं ये बीज ही होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी बीज लेना और इसको एक मिट्टी के गमले में छेद करना और उसके बाद मिट्टी भर के ये बीज उगाना। फिर क्या करेंगे बेटा, किस दिन आपने बीज लगाया है, किस दिन उसमें से अंकुरण हुआ है, ये सभी चीज़ें आप एक कॉपी में नोट करते जाना। तो ये आप एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? हम जो मसूर की दाल होती है उसको अंकुरित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब साबुत मसूर से दाल बनती है तो दलने के लिए उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण उसके अंकुरण की क्षमता खत्म हो जाती है। इसकी वजह से हम मसूर की दाल को अंकुरित नहीं कर पाते। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, चर्चा करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे? तो जो तिल होता है बेटा, उसको अंकुरित होने में यानी मिट्टी से बाहर आने में अधिक समय लगेगा, सबसे ज़्यादा। और नेक्स्ट दिया हुआ है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगेंगे? तो जो साबुत धनिया होता है उसके बीज को यानी उस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा बीज उगा ही नहीं और क्यों नहीं उगा होगा? तो बेटा जिन बीजों को अच्छी मात्रा में पानी नहीं मिला होगा, हवा नहीं मिली होगी, सूर्य की रोशनी नहीं मिली होगी, वो पौधा यानी वो बीज पौधा बना ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? बेटा किसी भी पौधे के सूखने या पीले पड़ने का एक रीज़न होता है, एक कारण होता है, और वो है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी का ना मिलना। अगर किसी पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो वो या तो सूख जाएगा या पीला हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे, किसी भी पौधे को अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसमें विकास नहीं होगा, वो नहीं बढ़ेगा और सूख जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बीज के अंदर क्या होता है? बीज के अंदर बेटा एक नन्हा सा पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? तो बेटा जो भी बीज हम मिट्टी में जब उगाते हैं तो उसको हम प्रॉपर मात्रा में पानी देते हैं, उसको हवा मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, और एक अच्छा तापमान जब उसे मिलेगा तो वो एक बीज से एक बड़ा पौधा बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको शिकारी पौधे, हाँ जी शिकारी पौधे के बारे में जानकारी दी हुई है। तो आओ हम पढ़ते हैं यहाँ पर इस बॉक्स में। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकौड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के, हाँ भारत के मेघालय राज्य में भी यह पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। यह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना बेटा, ये लंबे घड़े जैसी आकृति का है और जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसका ढक्कन है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, यानी इस पौधे से एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है जो कि उन कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करती है। और जब कीड़े मकोड़े इसके पास आते हैं तो इसके अंदर आते ही वो फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखा, ये पौधे भी कितनी चतुराई से अपना शिकार कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 47 की तरफ। यहाँ पे बेटा आपको कुछ बीज हैं
जिनके बारे में दिया हुआ है कि आप घर में आपको जितने भी तरह के बीज, जैसे हमने पढ़ा छोले, राजमा, मूंग, उड़द, साबुत उड़द जो होते हैं वो हो गया, जीरा, सौंफ, ये सब जो हैं, ये सब बीज हैं, आप इनको अलग अलग इकट्ठा करो और आप इनको तालिका में भरो आप, ठीक है। तालिका कैसे भरेंगे आप, यहाँ पे ये देखिए बेटा एक जो टेबल दी हुई है इसमें आप लिखोगे बीज का नाम, उसका रंग कैसा है और फिर उसका आप चित्र बनाएंगे और यहाँ पे आप बताएंगे उसको जब आप छूते हैं तो वो ऊपर से उसकी सतह यानी परत कैसी है, मुलायम है, सख्त है, दरदरी है, ये सब आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। आगे यहाँ पे दिया हुआ है घुमक्कड़ बीज, तो आप सोच रहे होंगे बीज भी घुमक्कड़ होते हैं। हाँ, पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं, देखो यहाँ पे चित्र नंबर एक में देखो, देखो बहुत तेज हवा चल रही है और हवा से ये जो पौधे हैं इनके बीज इधर उधर उड़ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पौधों के जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और नेक्स्ट वाली सेकंड जो पिक्चर बेटा आप देख रहे हो ना, ये जो होता है ये बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, ये क्या होते हैं, ये जो बीज होते हैं ये जानवरों की खाल के चिपक जाते हैं और हमारे कपड़ों में भी अटक जाते हैं। तो हो गई ना मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है सवाल, बेटा देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यानी बहुत ही दिलचस्प बात बताई है, वेलक्रो का आइडिया कैसे आया। वेलक्रो क्या होता है बेटा, ये जो आप चप्पलें देख रहे हैं ना, सैंडल्स देख रही हैं, इसको बंद करने के लिए आप देखते हो ना इसका एक लॉक सा होता है चिपकाने का, ये होता है वेलक्रो। जब ये एक वैज्ञानिक एक घटना है जिसको मैं आपको बताती हूँ, यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे, उन्होंने देखा कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को उन्होंने अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा तो वे हैरान हो गए। झट से वो एक माइक्रोस्कोप लेके आए, मतलब उस माइक्रोस्कोप से क्या हुआ, उन्होंने बारीक से बारीक चीज़ों को देख सकते हैं। बीजों को जब उन्होंने देखा तो उसमें छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पे अटक गए। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से क्या होता है, दोनों सतह चिपक जाती हैं, जैसे आपके बैग वगैरह पे भी होता है ना, और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। ये आप सब देख सकते हो अपने जूते, बेल्ट, पट्टे, इनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। पेज नंबर 49 का बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हम जानें कि बीज एक जगह से दूसरी जगह किन कारणों से पहुंचते हैं और कैसे पहुंचते हैं और कौन सी सब्जी और कौन से मसाले कहां से आए, एक पोयम के थ्रू हम ये सब जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।